सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी को राज्यसभा टीवी की तरफ से विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर में की सीमा प्रबंध की समीक्षा, आतंकवाद निरोधक कार्रवाई के बारे में ली जानकारी। लेह का दौरा आज। जीएसटी के पहले के पुराने स्टॉक को 31 दिसंबर तक बेचने की मोहलत, उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने दी जानकारी। अक्टूबर दिसंबर तिमाही के लिए भी मिलेगा बचत योजनाओं पर मौजूदा ब्याज। लंबे वक्त में आर्थिक लाभ के लिए कुछ कष्ट उठाना जरूरी, उपराष्ट्रपति का बयान। विदेश और आर्थिक नीतियों में हो आम राय। मुंबई में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से 22 की मौत, 30 से ज्यादा घायल। रेल मंत्री ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। घायलों से मिलने केईएम अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। नौ दिनों के उपवास के बाद आज होगा मां दुर्गा का विसर्जन। देश भर में मनाया जाएगा दशहरा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी जनता को शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर के दो दिन के दौरे पर हैं। कल उन्होंने नियंत्रण रेखा पर हालात का जायजा लिया। बाद में श्रीनगर में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रक्षा मंत्री से मुलाकात कर वहां के हालात पर चर्चा की। राज्यपाल एन एन वोरा ने भी रक्षा मंत्री से मुलाकात की। रक्षा मंत्री आज लद्दाख इलाके का दौरा करेंगी। रक्षा मंत्री बनने के बाद निर्मला सीतारमण का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। शुक्रवार को रक्षा मंत्री सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के साथ श्रीनगर पहुंची। उन्होंने कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा का दौरा किया और हालात की जानकारी ली। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें आतंकवाद निरोधक कार्रवाई के बारे में बताया। दो दिन के दौरे में रक्षा मंत्री लेह भी जाएंगी। यहां वो चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा का दौरा कर हालात की जानकारी लेंगी। रक्षा मंत्री का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब घाटी में हालात सामान्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि कश्मीर में शांति लौट रही है। इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। उन्होंने राजनीतिक दलों के साथ सामाजिक, नागरिक संगठनों और कारोबारी संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर शांति बहाली के उपायों पर चर्चा की थी। गृहमंत्री ने कहा था कि कश्मीर में हालात जल्द सामान्य हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने सीमा पर फायरिंग की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के सेक्टर कमांडरों के बीच कल जम्मू के सुचेतगढ़ सेक्टर में फ्लैग मीटिंग हुई। 6 महीने में पहली बार ये बैठक हुई। बीएसएफ ने सीमा पार से उकसावे वाली कार्रवाई का विरोध किया। बीएसएफ के मुताबिक बैठक शांतिपूर्ण माहौल में हुई और सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमति बनी। बैठक करीब 2 घंटे तक चली। सीमा पार से हो रही फायरिंग के बीच ये बैठक हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों से मुलाकात की। उत्तराखंड के मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में उन्होंने फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को संबोधित भी किया। राजनाथ सिंह ने भावी अफसरों को जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि कई प्रशिक्षु भविष्य में कमिश्नर और डीएम बनेंगे, लेकिन उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि जो भी काम करें समान भाव से काम करने और सभी का आदर बनाए रखें। बाद में गृहमंत्री ने चीन सीमा पर आखिरी गांव माणा का दौरा किया। वहां उन्होंने आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। गृहमंत्री 4 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर हैं। कभी कभी आपको यह लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं ही और कोई कुछ नहीं जानता। यह कंफ्यूजन मन में कभी मत पालना। याद करके चलना कि आप स्पेशलिस्ट कहीं हो, आप जर्नलिस्ट हो। हम आपसे किसी साइंटिफिक इन्वेंशन की अपेक्षा नहीं करते। आपसे जनता क्या अपेक्षाएं करती हैं, शासन गवर्नमेंट क्या अपेक्षाएं करती हैं, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है।
भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ के कैदियों की अदला बदली से संबद्ध बयान को झूठ और कल्पना की उपज बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि इस बारे में अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने पहले ही बेबुनियाद बता दिया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कुलभूषण जाधव के बदले पेशावर के आतंकवादी हमले में शामिल हमलावरों को देने की पेशकश की थी। You have already seen the press release which has been issued by Afghan National Security Advisor's office. And if you have gone through the press release, it seems that this is one more addition to the long list of imaginary lies and stories which have been created by Pakistani establishment. You have seen what happened at the UNGA, how a fake picture was being shown to be from India and it turned out to be from another country. अफगानिस्तान ने कहा है कि देश में शांति बहाली प्रक्रिया में जो भी शामिल होना चाहता है सरकार उससे बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए हिंसा का रास्ता छोड़ना और समानता शर्त होगी। भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के सीईओ अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि आतंक को विदेश नीति के उपकरण के तौर पर इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जा सकती। भारत ने अफगानिस्तान में शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए $1 अरब मदद का भी ऐलान किया है। अफगानिस्तान के सीईओ और कैबिनेट के प्रमुख अब्दुल्ला अब्दुल्ला दो दिन के भारत दौरे पर दिल्ली में थे। शुक्रवार को उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि अफगानिस्तान हिंसा रोकने के लिए देश में सभी पक्षों से बातचीत को तैयार है। हालांकि उन्होंने आतंकवाद को अच्छा या बुरा बताने की निंदा की। उन्होंने साफ किया कि जो भी हिंसा में शामिल है वो आतंकवादी है। उन्होंने अफगानिस्तान में आतंकी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद पर रवैये में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान पड़ोसी देशों को ब्लैकमेल करने के लिए आतंकवाद को उपकरण के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। Not to regret the consequences in the future will be to make a decision. Once and forever, that terrorism will not be used as an instrument of pursuing foreign policy objectives at all. भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान को भारतीय मदद जारी रहेगी। उन्होंने पाकिस्तान या दूसरी जगहों से आए शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए $1 अरब की सहायता का ऐलान किया। We had agreed that the India would extend development assistance to the tune of $1 billion, and that has taken the form of a number of community development projects in Afghanistan, numbering 116 projects that we believe have a very high impact locally. हालांकि विदेश सचिव ने कहा कि अफगानिस्तान सामान भेजने के लिए पाकिस्तान की ओर से गलियारे देने पर कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने भरोसा जताया कि वैकल्पिक रूट के तौर पर चाबहार प्रोजेक्ट 1 साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान सरकार ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि वो लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के समर्थन से बनाए गए राजनीतिक दल को मान्यता देने का आवेदन नामंजूर कर दे। गृह मंत्रालय का कहना है कि वैचारिक तौर पर मिल्ली मुस्लिम लीग आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और उससे जुड़े अतिवादी संगठनों जमात उद दावा और फला इंसानियत की तरह है। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा है कि ऐसे समूहों से राजनीति में हिंसा और उग्रवाद पैदा होगा। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर अमेरिका ने $10 लाख का इनाम घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने जमात उद दावा को आतंकी संगठनों की सूची में डाल रखा है। लश्कर ए तैयबा पर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों का आरोप है। इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे। फिलहाल हाफिज सईद लाहौर में नजरबंद है। मुंबई में रेलवे फुटओवर ब्रिज पर कल भगदड़ से हुए हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल KEM अस्पताल जाकर वहां भर्ती घायलों के इलाज के बारे में जानकारी ली। ये तस्वीरें हैं मुंबई में रेलवे फुटओवर ब्रिज पर हुए हादसे की, जहां कई लोग भगदड़ की वजह से दबकर मर गए।
शुक्रवार को परेल और एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन के बीच फुटओवर ब्रिज पर सुबह 10:30 से 11:45 बजे के बीच ये हादसा हुआ। चश्मदीदों का कहना है कि बारिश के चलते पुल पर काफ़ी फिसलन थी और ब्रिज पर भारी तादाद में दफ्तर जाने वाले लोग मौजूद थे। इसके अलावा बारिश से बचने के लिए भी लोग ब्रिज पर जमा हो गए थे। 3 आउट स्टेशन है बाहर जाने के लिए वेस्ट में, उसके हिसाब से रश नहीं था। ये रश जो था सेंट्रल रेलवे का रश था, सेंट्रल रेलवे की पब्लिक को बाहर जाने के लिए वेस्ट में जाने के लिए एक ही ब्रिज है, सिर्फ एक ब्रिज है, इसके हिसाब से ये प्रॉब्लम हुआ है। जो हुआ है प्रॉब्लम इसके हिसाब से हुआ है। हादसे के बाद गुस्साए यात्रियों और आसपास के लोगों ने कहा कि ये फुटओवर ब्रिज कई साल पुराना है और रोजाना गुजरने वाले मुसाफिरों के मुताबिक इसकी क्षमता काफी कम है। एक्चुअली यहाँ से पब्लिक कम से कम 8 से 10 हजार पब्लिक हर घंटे में ऊपर नीचे करती है और ये जो ब्रिज है वो काफी छोटा है, एक ही ब्रिज से लोग आते हैं जाते हैं। घायलों को इलाज के लिए KEM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पूर्व जोन के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार और रेलवे मिलकर घटना की छानबीन करेंगे। मुंबई में ऐसे कई फुटओवर ब्रिजेस हैं जहां पे काफी कंजेशन रहता है, इन सब का भी सेफ्टी ऑडिट करने के लिए और कैपेसिटी ऑडिट करने के लिए मैंने निर्देश दिया है। जो भी फुटओवर ब्रिजेस में जरूरत पड़ेगी कि उसको वाइडन किया जाए, दुरुस्त किया जाए, उसको तुरंत हाई प्रायोरिटी पे किया जाएगा। मुंबई के मुसाफिर एल्फिंस्टन रेलवे ब्रिज का इस्तेमाल सेंट्रल लाइन से वेस्टर्न लाइन पर जाने के लिए करते हैं। हादसे से कुछ मिनटों पहले तक बारिश हो रही थी, साथ ही ट्रेन भी लेट चल रही थी। जिस वक्त यह हादसा हुआ तभी ट्रेन अचानक स्टेशन पर पहुंच गई। इसी बीच फुटओवर ब्रिज पर भगदड़ मच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब देश में होने वाले सभी चुनाव VVPAT मशीनों से ही होंगे। चुनाव आयोग ने इसके औपचारिक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस हफ्ते की शुरुआत में लिखे एक पत्र में कहा है कि भविष्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सभी मतदान केंद्रों में मतदान की पर्ची देने वाली मशीनें इस्तेमाल की जाएंगी। कानून मंत्रालय के मुताबिक चुनाव आयोग ने 2015 में 67,000 अतिरिक्त VVPAT मशीनें ऑर्डर की थी, जिसमें से आधी की आपूर्ति हो चुकी है। आयोग को इस साल गुजरात, हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए और 30,000 VVPAT मशीनें मिलनी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर VVPAT के इस्तेमाल की इजाज़त देने के लिए ऐसी ही 16,15,000 और मशीनों की ज़रूरत होगी। एकीकृत AIADMK ने कल चुनाव आयोग में हलफनामा दिया। इसमें दावा किया गया है कि पार्टी के अधिकतर सांसदों, विधायकों के साथ पदाधिकारियों का समर्थन उसे हासिल है। पार्टी ने इस आधार पर दो पत्ती वाले चुनाव चिन्ह पर दावा जताया है। PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इसमें 115 विधायकों, 44 सांसद, 52 जिला सचिव, 126 शहर सचिव और 1200 गांव सचिवों के हलफनामे हैं। साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने 12 सितंबर को आम परिषद की बैठक के दौरान दोनों गुटों के विलय से जुड़े कागजात भी सौंपे हैं। आयोग ने 29 सितंबर तक हलफनामे मांगे हैं। इस मामले पर 6 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। आयोग ने शुक्रवार को दिनाकरन गुट की ओर से ज्यादा समय मांगे जाने की अर्जी खारिज कर दी थी। All those general council members, including MPs, MLAs and the party organizational heads who attended the general council meeting, all of them have in their individual capacity given an affidavit duly signed by a notary about the merger and about the our desire to work under the joint leadership of the coordinators through OPNISBM and the joint coordinator through Edappadi Palaniswami. So those affidavits signed by the individual General Council members, all the member council, that is being submitted with all the other relevant important documents. खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाल के पीछे हम मैं नहीं जाता था, बाल मेरे पास खुद आता था। चांदनी रात में खेलते खेलते उनका नाम भी ध्यान सिंह से ध्यानचंद होता चला गया। ध्यानचंद जी से स्टिक से जो चीज निकली है वो हॉकी के हिस्ट्री में मैजिक। जो
देश के सम्मान और इज्जत की खातिर हिटलर से भी कह सकता था, मैं ठेठ हिंदुस्तानी हूं, चांदी के सिक्कों की खातिर वतन नहीं छोड़ूंगा। विरासत में इस बार हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की दास्तान सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। I would like to apprise this house that my forefather Chhatrapati Shahu Maharaj had introduced 50% of reservation, first one in India, in the year 1902. एक नए सिलसिले का आगाज, मजबूत पिछड़े वर्गों की आवाज। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय मंत्री जी को कि आर्टिकल 366 का प्रावधान किया है ताकि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड उसकी डेफिनेशन क्या होगी। आयोग को मिला कानूनी दर्जा, मिला है हक, नहीं कोई कर्जा। There's a long pending demand for separate ministry in so far as OBCs is concerned, sir. देखिए संसद संवाद में इस बार आयोग को अधिकार। सरकार ने वस्तु और सेवा कर लागू होने से पहले पुराने सामान की बिक्री की अवधि 3 महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। कई कंपनियों और व्यापारियों के प्रमुख संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा था कि उनके पास GST से पहले का काफ़ी भंडार पड़ा है और उन्हें इसे निकालने के लिए और समय की ज़रूरत है। 1 जुलाई को GST लागू होने के बाद सरकार ने पैकेटबंद उत्पादों पर अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP के साथ संशोधित मूल्य छापकर इसे बेचने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया था। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक से ठीक पहले सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दर में अक्टूबर दिसंबर तिमाही के लिए कोई बदलाव नहीं किया है। छोटी बचत योजनाओं में PPF, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना शामिल है। पिछले साल अप्रैल के बाद से ही सभी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की को त्रैमासिक आधार पर संशोधित किया जा रहा है। RBI की अगली मौद्रिक नीति समिति की बैठक 4 अक्टूबर को होनी है। PPF में निवेश पर 7.8%, जबकि किसान विकास पत्र पर 7.5% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार ने 2-3 साल में कर प्रशासन में पारदर्शिता, सुधार और कार्यकुशलता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। वित्त मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की व्यक्तिगत आय वालों के लिए कर की दर 10% से घटाकर 5% कर दी गई है, जो दुनिया में सबसे कम है। उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए तक की गैर व्यापारिक आय वालों के लिए पहली बार विशेष छानबीन नहीं करने की प्रक्रिया अमल में लाई गई है, जिससे कर दायरा बढ़ा है। वित्त मंत्री ने कहा कि नोटबंदी लागू किए जाने के बाद 10 जनवरी 2017 तक 1100 ठिकानों पर छापे मारे गए, जिससे 513 करोड़ रुपए नकद समेत कुल 610 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। उन्होंने बताया कि इस दौरान 5400 करोड़ रुपए अघोषित आय का पता चला और 400 मामलों की जांच ED और CBI को सौंपी गई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस बात पर जोर दिया है कि उच्च स्तर पर फैसले कैसे लिए जाते हैं और देश की सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है, इस बारे में लोगों को पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने ये बात कल सिक्योरिंग इंडिया द मोदी वे किताब के विमोचन के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि इस किताब के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को लेकर सरकारी कामकाज से जुड़ी जानकारी मिलती है। किताब में सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़े कई अनछुए पहलुओं पर भी बात की गई। इसके अलावा पड़ोसी देशों से जुड़ी नीति और वैश्विक स्तर पर भारत की उपस्थिति मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों को भी बताया गया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि आतंकवाद का मुद्दा सरकार की विदेश नीति के प्राथमिकता पर है। उन्होंने कहा कि जब इस तरह के तनाव बने रहेंगे तब तक विकास से जुड़ी योजनाओं पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जा सकता। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और गोली के इस्तेमाल से बदलाव नहीं लाया जा सकता। Securing India the Modi way. The policy of the government should be zero tolerance towards terror.
the policy of the nation, government, nation, political parties, zero tolerance towards terror. Second, zero tolerance towards corruption. Both will affect growth, both will affect development, because the corruption also eats into the vitals of our system. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि लंबे वक्त में आर्थिक लाभ के लिए देश को फिलहाल कुछ कष्ट उठाना होगा। अर्थव्यवस्था पर चल रही बहस के दौरान उनका ये बयान आया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में आर्थिक मंदी है और इसके बावजूद भारत निवेश के लिए बेहतर स्थान बना हुआ है। उन्होंने सिक्योर इंडिया द मोदी वे पुस्तक के विमोचन समारोह में ये बात कही। The temporary things, there will be some problems, of course you have to take a temporary pain for long term gain, anything. So I am not getting into that arena. There are other people who are debating, using their skills, forgetting what they have done, what has to be done, what needs to be done. All these things, there has to be a consensus. As far as the foreign policy is concerned, as far as the economic policy is concerned, there has to be a broad consensus. This is what I feel. शुक्रवार को जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ के प्रतिनिधियों ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इस दौरान ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक ने उपराष्ट्रपति को सम्मान स्वरूप ट्राइफेड ट्राइब्स कार्ड भेंट किया। ये कार्ड खास तरह के लोगों को दिया जाता है जिन्होंने जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए समाज में काम किया है। उन्हें फ्रेंड्स ऑफ ट्राइब्स कहा जाता है। ट्राइफ्रेंड आदिवासी या जनजातीय लोगों के बनाए हुए उत्पादों को बाजार में बेचने का काम करती है ताकि उनकी संस्कृति और कौशल का विकास हो सके। उपराष्ट्रपति के आवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान महासंघ की तरफ से उपराष्ट्रपति को नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं भी दी। अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को जीत पर बधाई दी है। ट्रंप ने फोन पर मर्केल से बात की। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों नेताओं ने ईरान के परमाणु खतरे पर बात की और इससे निपटने के उपायों पर चर्चा की। अमेरिका का आरोप है कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु कार्यक्रम को जारी रखे हुए है। ट्रंप ने पिछले दिनों ईरान से परमाणु करार को अमेरिका के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी बताया था और इसे खत्म करने या बदलने की बात कही थी। हालांकि जर्मनी और फ्रांस ने इसे अच्छा करार बताते हुए इसे जारी रखने पर जोर दिया था। कोरिया प्रायद्वीप में तनाव घटाने के लिए रूस ने भी कोशिशें शुरू कर दी हैं। उत्तर कोरिया का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को रूस पहुंचा। रूसी विदेश मंत्रालय के अधिकारी और उत्तर कोरियाई प्रतिनिधिमंडल परमाणु संकट पर चर्चा करेगा। इसकी अगुवाई उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय में उत्तर अमेरिकी विभाग के प्रभारी चोन सोन हुई कर रहे हैं। अमेरिका ने इस बैठक का स्वागत किया है। छठे परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका और उत्तर कोरिया में तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर उत्तर कोरिया अपनी नीतियां नहीं बदलता तो उसे तबाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस बीच IAEA ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने परमाणु बम के मामले में तेजी से प्रगति की है। दिस इज द न्यू थ्रेट एंड दिस इज द ग्लोबल थ्रेट। So what is most important for now is that the international community gets united to address this grave threat. देश में वन्य जीव उत्पादों की तस्करी या उनके गैर कानूनी व्यापार के मामले में सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने यह बताया है कि मौजूदा तकनीक के दौर में तस्कर भी ऑनलाइन तस्करी में लिप्त हैं, जिसे रोकने के उपाय किए जा रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल बताया कि ऐसे ही मुद्दों से निपटने के लिए देश में पहली बार विश्व वन्य जीव कार्यक्रम के तहत एक सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। विश्व बैंक और UNDP की भागीदारी वाले इस सम्मेलन में दुनिया के 19 देशों के प्रतिनिधियों के साथ वन्य जीव जानकार हिस्सा लेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि इसी दिन वन्य जीवन के संरक्षण को केंद्र में रखकर 15 साल के लिए वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की भी शुरुआत होगी। We have this international figure of 70 billion US dollar, but for India we don't have the figure right now, but I can assure you the number is going down. There are occasional cases of, say, pangolin, illegal trafficking of pangolin scales and pangolin meat. There have been some sporadic cases of tiger poaching, but our records speaks that the quantum of illegal trade has gone down. Right now, we don't have the exact figure as to how many USD or how many rupees is involved in Indian illegal wildlife trafficking.
सरकारी दौरों के लिए महंगे निजी विमानों में सफर करने वाले अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री टॉम प्राइस ने इस्तीफा दे दिया है। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दौरों के लिए यात्रा कर रहे सरकारी अधिकारियों के अलावा बाकी सभी सरकारी दौरों के लिए व्यावसायिक उड़ानों में ही यात्रा करने का नियम है। व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टॉम प्राइस का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और उनकी जगह डॉन जे राइट को कार्यकारी स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। इससे पहले टॉम प्राइस ने मई से अब तक 26 निजी विमानों में यात्रा के लिए $4,00,000 खर्च करने के लिए करदाताओं से माफी मांगी। प्राइस ओबामा केयर को निरस्त करने के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एजेंडे को आगे बढ़ाने में भी नाकाम रहे। आज दशहरा है यानी रावण दहन का दिन। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाए जाने वाले इस दिन के लिए देश भर में रावण के पुतलों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज दुर्गा पूजा का भी समापन हो रहा है। दिल्ली सहित पूरे देश में त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ लगी है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। राष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये दिन भगवान राम के जीवन में हमारे विश्वास को मजबूत करता है। उपराष्ट्रपति के मुताबिक भाईचारा बढ़ाने में इस त्यौहार की अहम भूमिका है। बात खास शख्सियत की, दिग्गज फिल्म निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की आज जयंती है। आज ही के दिन कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। फिल्मों के जरिए जिंदगी के फलसफे को कहने वाले ऋषिकेश मुखर्जी ने कई शानदार फिल्मों का निर्देशन किया। यही छोटी छोटी बातें हैं जो जिंदगी में असल मायना रखती हैं। किसी बड़ी खुशी के इंतजार में हम ये छोटे छोटे खुशियों के मौके खो देते हैं। अरे बड़ी खुशी के मौके 10-20 होते हैं, लेकिन ये जो हजारों लाखों छोटे छोटे खुशियों के पल है उसे हम गवा देते हैं। सिनेमा के जरिए जिंदगी की सीख देने का हुनर ऋषिकेश मुखर्जी बखूबी जानते थे। बात चाहे कॉमेडी की हो या मानवीय रिश्तों की, ऋषिदा का सिनेमा बेमिसाल था। ऋषिदा ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1951 में मशहूर फिल्मकार बिमल रॉय के सहायक के रूप में 2 बीघा जमीन से की। जिंदगी कैसी है पहेली। 1972 में आई उनकी फिल्म आनंद ने जिंदगी की एक अलग तस्वीर लोगों के सामने रखी। कभी ये रुलाए। गोलमाल, बुढ़ा मिल गया, नरम गरम, चुपके चुपके, खूबसूरत जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने सिने पर्दे पर कॉमेडी को नई ऊंचाइयां दी। ऋषिदा को दादा साहब फाल्के, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्म विभूषण जैसे कई सम्मान भी मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आखिर में हेडलाइंस। रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर में की सीमा प्रबंध की समीक्षा। आतंकवाद निरोधक कार्रवाई के बारे में ली जानकारी। लेह का दौरा आज। जीएसटी के पहले के पुराने स्टॉक को 31 दिसंबर तक बेचने की मोहलत। उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने दी जानकारी। अक्टूबर दिसंबर तिमाही के लिए भी मिलेगा बचत योजनाओं पर मौजूदा ब्याज। लंबे वक्त में आर्थिक लाभ के लिए कुछ कष्ट उठाना जरूरी। उपराष्ट्रपति का बयान, विदेश और आर्थिक नीतियों में हो आम राय। मुंबई में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से 22 की मौत, 30 से ज्यादा घायल। रेल मंत्री ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। नौ दिनों के उपवास के बाद आज होगा मां दुर्गा का विसर्जन। देश भर में मनाया जाएगा दशहरा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी जनता को शुभकामनाएं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार।